दी ग्रैंड होटल एकदम समय का मंदिर जैसा था। यह एक ऐसी जगह थी जहां इतिहास और आधुनिकता का संगम होता था। इसका भव्य फसाद इंट्रिकेट नक्काशियों और ऊंचे आर्चेस के साथ बीते जमाने की कहानियां कहता था। हर कोने में एक कहानी छुपी हुई थी जो समय के साथ और भी गहरी होती गई। ढलते सूरज की सुनहरी किरणें इमारत को सोने और क्रिम्सन रंग में रंग रही थीं, जिससे ये जादुई लग रहा था। यह दृश्य किसी चित्रकार की कल्पना से कम नहीं था, जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता था। अंदर लॉबी दूर देशों से आए मेहमानों के आगमन से भरा हुआ था। उनकी आवाजें उस विशाल जगह में धीमी गूंज रही थीं। हर कोई अपनी अपनी कहानियों में खोया हुआ था और यह माहौल एक अद्भुत ऊर्जा से भरा हुआ था। आवाजों और नजारों के संगीत के बीच अन्या खड़ी थी। उसका दिल उम्मीद और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहा था। यह उसकी पहली यात्रा थी और वह इस अनुभव को लेकर बहुत उत्साहित थी। पॉलिश की हुई संगमरमर की फर्श, जगमगाते झूमर और बीच में बना हुआ सुंदर फव्वारा, सब कुछ उसकी उम्मीदों से बढ़कर था। यह जगह किसी सपने से कम नहीं थी और अन्या को यकीन नहीं हो रहा था कि वह यहाँ है। मैं चेक इन काउंटर की तरफ बढ़ी। मेरे कदम पॉलिश फर्श पर धीरे धीरे गूंज रहे थे। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं और वह इस नए अनुभव को पूरी तरह से जीना चाहती थी। मैं अपनी इस लंबे समय से प्रतीक्षित छुट्टी का पूरा आनंद लेने के लिए दृढ़ थी। यह समय था खुद को फिर से खोजने का और इस जगह ने उसे वह मौका दिया था। जैसे ही अन्या काउंटर के पास पहुंची, एक आदमी उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। उसकी उपस्थिति ने अन्या को एक अजीब सी अनुभूति दी, जैसे कुछ खास होने वाला हो। वह लंबा और अच्छी कदकाठी वाला था। उसके बाल घने और डार्क थे और आंखें जो शरारत से भरी हुई लग रही थीं। उसकी मुस्कान में एक रहस्य था जो अन्या को और भी आकर्षित कर रहा था। उसने रिसेप्शनिस्ट पर एक दिलकश मुस्कान बिखेरी। उसकी आवाज गहरी और गूंजदार थी। उसकी हर बात में एक आत्मविश्वास था जो अन्या को प्रभावित कर रहा था। मैं उसकी मौजूदगी से मंत्रमुग्ध हो गई। मेरा दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अन्या को अपनी ओर खींच रहा था। मैंने अपने चेक इन पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद को उस सुंदर अजनबी पर नजरें चुराने से रोक नहीं पाई। उसकी हर हरकत अन्या के दिल को छू रही थी। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन लगता है कोई गलती हो गई है। ये सुनकर अन्या का दिल बैठ गया। आज रात हमारे पास केवल एक ही कमरा उपलब्ध है और वह मिस्टर रोहन मेहरा के नाम पर बुक है। ये सुनकर अन्या के मन में कई सवाल उठने लगे। मेरा दिल बैठ गया। यह स्थिति अन्या के लिए बहुत ही असमंजस भरी थी। ऐसा नहीं हो सकता था। यह उसकी योजना का हिस्सा नहीं था और वह इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। मैंने रोहन को देखा। मेरे दिमाग में बहुत से विचार आ रहे थे। क्या यह एक संयोग था या फिर किस्मत का खेल? अन्या के मन में कई सवाल थे और वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार थी। Well, this is unexpected. मुझे यकीन है कि हम कोई ना कोई उपाय खोज लेंगे। शायद आप cancellations चेक कर सकती हैं। मुझे अफसोस है सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। शहर में एक कॉन्फ्रेंस की वजह से हमारे पास पूरी तरह से बुकिंग है। आपके लिए एक ही ऑप्शन है कि आप में से कोई एक कम लग्जूरियस विंग में एक अलग कमरा ले ले। निराशा की एक लहर मुझ पर छा गई। मैं अपग्रेड अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ये ट्रिप मेरा बजट पहले ही खराब कर रहा था। एक्चुअली मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। क्यों ना हम दोनों रूम शेयर कर लें? क्या आप श्योर हैं सर? ये बहुत ही अनकन्वेंशनल है और रूम में केवल एक ही बेड है। मैं वादा करता हूँ कि मैं काटूंगा नहीं, जब तक आप मुझे ऐसा करने के लिए ना कहें। ऑलराइट, लेट्स डू इट। कमरा जितना अन्या ने सोचा था उससे कहीं अधिक प्रभावशाली था। फ्रेंच डोर्स एक बालकनी में खुलते थे जहां से पूरे शहर का नजारा दिखता था। अन्या ने ठंडी शाम की हवा में सांस लेते हुए बालकनी में कदम रखा। रोहन की आवाज ने उसे चौंका दिया, लेकिन उसका लहजा नरम था, ऑलमोस्ट रेवरेंट। वह उसके बगल में रेलिंग पर झुक गया। उनकी बाहें एक दूसरे को छू रही थीं। अन्या उस स्पर्श से सिहर उठी। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। S2, it's breathtaking. S1, beautiful, isn't it? मुझे अपने बारे में कुछ बताओ अन्या, क्या बात तुम्हें इस शहर में, इस होटल में, इसी बालकनी में लेकर आई है? मैं उसकी सीधी बातों से चकित होकर हिचकिचा गई, लेकिन उसकी निगाहों में कुछ था, कुछ ऐसा जो मुझे उस पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर रहा था, उन राजों को उजागर करने के लिए जो मैंने दुनिया से छुपा कर रखे थे। मैंने हमेशा इस शहर में आने का सपना देखा है, उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज धीमी थी। जब मैं छोटी बच्ची थी तब मैं घंटों ट्रैवल मैगजीन्स पर आती रहती थी, पिक्चर्स देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती थी।
ये ट्रिप मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है। और तुम्हारे बारे में रोहन, तुम्हें क्या बात ग्रैंड होटल लेकर आई है? बिजनेस मोस्टली, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में अम्यूजमेंट था, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े बहुत एडवेंचर के लिए हमेशा जगह रहती है, और आज की रात निश्चित रूप से इस मामले में प्रॉमिसिंग लग रही है। अन्या ने महसूस किया कि उसके गाल लाल हो रहे हैं। उसकी बातें सुनकर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उन्होंने अगले कुछ घंटे बातें करने, अपने बचपन के सपनों, अपनी आकांक्षाओं, अपने डर की कहानियां साझा करने में बिताए। जैसे जैसे रात होती गई और उनके ऊपर तारे टिमटिमाते रहे, अन्या ने इस अजनबी के साथ एक अनोखे जुड़ाव को महसूस किया। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती गई, हवा में अनकही चाहत और बढ़ती गई। यह अच्छा है। रोहन ने उन दोनों के लिए वाइन के गिलास भरे। उसके हाथ उसके हाथों को छू गए जब उसने उसे क्रिस्टल का गिलास दिया। मेरा मतलब है, यहाँ तुम्हारे साथ होना, ऐसे बातें करना। It is, isn't it? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें हमेशा से जानता हूँ, अन्या। शहर की रोशनी की धीमी चमक में नहाया हुआ बालकनी अचानक छोटा और ज्यादा इंटीमेट लग रहा था, और फिर बिना किसी चेतावनी के रोहन उसके करीब आ गया। उसके होंठ उसके होंठों को छू रहे थे। चुंबन बिजली की तरह था जिसने अन्या के शरीर में एक सिहरन पैदा कर दी। ये एक ऐसा चुंबन था जो चाहत, जुनून और एक ऐसी इच्छा की बात करता था जिसे अब और रोका नहीं जा सकता था। अन्या ने खुद को उसके आलिंगन में पिघलते हुए पाया। उसने अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाल दी और खुद को उस पल के हवाले कर दिया। सुबह की पहली किरण पर्दों के बीच से निकलती हुई कमरे में लंबी परछाई बना रही थी। मैंने क्या कर दिया था? अन्या अचानक से उठी। उसका सिर रोहन की छाती पर टिका हुआ था। वह उसके कान के नीचे उसके दिल की धड़कन सुन सकती थी, एक सुखदायक लय जो उसे संतोष और भय के मिश्रण से भर रही थी। जैसे ही पिछली रात की घटनाएं उसकी आंखों के सामने आईं, शर्म की एक लहर उस पर छा गई। वह धीरे से रोहन के आलिंगन से अलग हुई और बिस्तर पर बैठ गई। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। अन्या बिस्तर से उतरी और ठंडी सुबह की हवा में सांस लेते हुए बालकनी की तरफ चल पड़ी। पिछली रात एक सपने की तरह महसूस हो रही थी, समय का एक चोरी का पल जिसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता था। होटल के कमरे का दरवाजा रोहन के पीछे बंद हो गया। आवाज अचानक सन्नाटे में गूंज उठी। उनका अलविदा संक्षिप्त था, लगभग अजीब। अन्या खिड़की के पास खड़ी थी, देख रही थी कि कैसे उसने एक टैक्सी ली और सुबह के ट्रैफिक में गायब हो गया। उन्होंने नंबरों का आदान प्रदान किया था, संपर्क में रहने का वादा किया था, लेकिन शब्द खोखले लगे, उनके जुड़ाव की गहराई को व्यक्त करने के लिए अपर्याप्त। जैसे ही अन्या ने अपना सूटकेस पैक किया, उसकी उंगलियां उन कपड़ों पर टिकी हुई थीं जो उसने पिछली रात पहने थे। उसने महसूस किया कि इस मुलाकात ने उसे बदल दिया था। उसने एक मना फल चखा था, जुनून के एक ऐसे स्तर का अनुभव किया था जिसके बारे में वह कभी नहीं जानती थी। वह जानती थी कि वह उसे कभी नहीं भूल पाएगी। उनका मिलना किसी वजह से हुआ था, चाहे वह कितना भी क्षणभंगुर क्यों ना हो। वह नहीं जानती थी कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन वह जानती थी कि वह इस याद को, इस सुखद मुलाकात को हमेशा अपने दिल में संजो कर रखेगी।